चलो एक बेसिक सा सिंपल सा एक मिनिमलिस्टिक जीवाई दिखाता हूँ। लग रहा है ना मस्त। और चलो हम लोग कुछ से पूछते हैं, तो स्टार्ट विद हेलो जार्विस। हेलो सर, हाउ इज योर डे गोइंग? सोच रहा हूँ पढ़ाई लिखाई अब छोड़ देता हूँ। वेल, हाउ अबाउट आई ब्रॉडकास्ट दिस ऑन द फैमिली ग्रुप चैट इंस्टेड? इग्नोर गाइस, थोड़ा सा पागल है वो। और से समथिंग फॉर माय ऑडियंस जार्विस। ग्रीटिंग्स सब्सक्राइबर्स, We hope so you're doing well. Don't forget to hit the like button, share, and subscribe to Devs Do Code for more engaging content on artificial intelligence and Python automation. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. Hello and welcome to a new video, guys. चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ब्राउजर खोलो कोई भी, उसमें ये pypy.org की वेबसाइट पे जाओ और ईल को इंस्टॉल कर दो अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, अपने पाइथन लाइब्रेरी में, ये हम लोगों को काम पड़ने वाला है। उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर खोलो और उसमें आप कोई भी एक फोल्डर में चले जाओ, या आप बना लो फोल्डर जिसमें आप कोडिंग करने वाले हो। तो मैंने ऑलरेडी अपना बना के रखा हुआ है, इसमें दो फाइल्स हैं ऑलरेडी, एक फोल्डर एक फाइल है। तो चलो मैं इसको VS कोड में ओपन करके दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हम लोग का कोड, पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हम लोग का डिज़ाइन है, इसमें दो फाइल्स हैं इंडेक्स और स्टाइल, और उसके बाहर एक ईल विंडो जो कि हम लोग को कनेक्ट करेगा इन दोनों फाइल से। तो बेसिकली पाइथन से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने वेब प्रोग्रामिंग में, मतलब इंडेक्स से और स्टाइल से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एस्टीमेट बोर्ड दिखा देता हूँ, बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं है इसमें। एक मेन है, एक माई सर्कल है, एक मेन सर्कल है, उसमें भी सर्कल वन सर्कल टू है, और एक मेन कंटेंट नाम का क्लास है, उसमें हमने बार्स बनाई हैं। तो बेसिकली पहले मैं इसको आपको लाइव सर्वर में ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको भी ईजी पड़ेगा थोड़ा समझने में। तो ये मेरा लोड हो चुका है, तो इसको एक मिनट मैं छोटा कर देता हूँ। वेट 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 गाइस। तो अभी जैसे आप देख सकते हो एकदम फर्स्ट क्लास ये लग रहा है। तो अब देखो, जैसे सबसे बाहर वाला जो सर्कल है जिसमें ह्यू इफेक्ट है, वो है मेन सर्कल माई सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल है उसका नाम है माई सर्कल, उसके अंदर दो सर्कल और बनाए हुए हैं, एक ये जो नाच रहा है और एक और ये जो है उसको सर्कल वन सर्कल टू, और बार्स जो हैं ये वाले हैं हमारे जो इसमें हो रहे हैं। अभी ये देख रहे हो आप सेंटर में अलाइन नहीं है, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा स्क्रीन वैसे ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा, इसलिए उसकी टेंशन मत लेना, आराम से एकदम माउस काटो। वो उस टाइप से ही कोड किया हुआ है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो देख सकते हो मतलब ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, बाकी ये डिव क्लास में है या किस में है वो सब हम लोग का एस्टीमेट उतना घुसना नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टाइल पे। आपको बाय द वे कोई भी पार्ट समझना है तो उसके जस्ट सामने मैंने दिया हुआ है ये अपना कमेंट्स, और ये सारी फाइल्स जो आपको मिल जाएंगी हम लोग के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको समझना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर लेना, जो समझ ठीक लगे वैसे कर लेना। फिर भी मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एकदम बेसिक है CSS का, कि आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो, क्या बॉर्डर वगैरह क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग माई सर्कल पे आते हैं। तो बेसिकली माई सर्कल को हमने अलाइन किया एकदम मिडिल में, और उसके बाद मेन सर्कल है, मेन सर्कल को 300-300 की हाइट और वेट दी हमने, उसमें भी ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। एक और मेन कंटेंट जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ था अपने सर इसके बार्स के लिए, वो हमने यहाँ पे उसको भी इनिशियलाइज किया है बेसिकली। और बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो इसको रेड देके समझ सकते हो कि बेसिकली काम क्या कर रहा है, मैंने कमेंट आउट किया हुआ है ताकि आपको भी समझ आए कि कौन सा मेन कंटेंट क्या है और क्या नहीं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ चलो। और ये हमारा सर्कल वन है, मतलब जो सबसे बाहरी सर्कल है वो है सर्कल वन, और उसको भी 300 की 300 की पीएक्स की हमने हाइट और विड्थ दी हुई है। और इसका कलर जो हमने ये रखा है, आप चाहो तो ये कलर चेंज करके भी देख सकते हो कि क्या आपका इफेक्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्रीन रख के देखता हूँ, तो आप समझ लो कि ये क्या काम पे है। और उसके बाद बेसिकली ये हमने एक स्पिन प्लस नाम की एक और, मतलब कह लो एक की फ्रेम टाइप है कि एनिमेशन आपका कैसे क्रिएट होगा। तो बेसिकली वही है कि ये कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, तो जैसे वन है, और अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैं यहाँ 5 अगर कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा छोटा हो रहा है। तो बेसिकली यही काम कर रहा है वो, और इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। हाँ तो चलो अभी नॉर्मल हो चुका है, और अब सर्कल वन पे आते हैं। तो सर्कल वन बेसिकली हम लोग का ये वाला पार्ट है जो कि इसके अंदर नाच रहा है, वो है बेसिकली सर्कल वन, और उसको भी हमने स्पिन ऑफ का दिया हुआ है। तो इसको भी मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको कि इसमें भी क्या डिफरेंस है। तो ये देख सकते हो ये है बेसिकली हम लोग का सर्कल वन जो कि अंदर है उसके, तो उसको भी नॉर्मल मैं कर देता हूँ। तो बेसिकली ये की फ्रेम एनिमेशन के लिए काम आता है, और सर्कल वन को हमने इतने सारे इसमें पैरामीटर्स डाले हुए हैं कि कैसे कैसे हो, और एनिमेशन के लिए हमने ये बेसिक डाला हुआ है स्पिन ऑफ 5 सेकंड के लिए इन्फिनाइट इज इन आउट, मतलब वो अंदर बाहर होगा बस और ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने 5 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको लंबा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ 1 सेकंड कर दूँ, ये देख सकते हो कितना जल्दी वो नाच रहा है।
तो जैसा आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं बार्स पे, तो बार्स बेसिकली हमारे तीन बार्स हैं 1, 2, 3, और इसको हमने जेड इंडेक्स भी दिया हुआ है 3 का, और इसको हमने सेट किया हुआ है लेफ्ट पे 49%, टॉप पे 50%, बॉटम पे 50%, और बस 3 ही है एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे करके हमने सेट किया हुआ है इसको कि ये एकदम सेंटर में अलाइन करें। अब जैसे इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली ये काम इतना ही कर रहा है कि इसको हम लोग को सेंटर में अलाइन कर रहा है। मैंने पता नहीं ऊपर थोड़ी कोडिंग ऊपर नीचे गलती कर दी थी कि क्या, कि मेरे को थोड़ा यहाँ पे 49% लाना पड़ा। एक्चुअली मैं 50% पे आना चाहिए था, पर शायद ऊपर नीचे मैंने कहीं कुछ गलत लिखा है, कुछ किया है, जिसकी वजह से ये 49% पे अटका हुआ है। और उसके बाद हम लोग बेसिकली एक लिस्ट पे आ जा रहे हैं, तो ये उतना कुछ समझने लायक बात नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करो। और अब आते हैं एक और बात पे कि लोडर बार जो हम लोग का, कि एनिमेशन डिफाइन करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो अप डाउन हो रहा है बेसिकली ये इसी एनिमेशन को शो कर रहा है कि जब ये 10% पर 0% पे कितना इसका हाइट रहेगा और कितना ये मार्जिन टॉप पे टच करेगा, और इसका हाइट कितना रहेगा और मार्जिन टॉप कितना रहेगा जब वो 50% पे रहे, 100% पे कितना रहेगा, वो सब बेसिकली ये आप ऊपर नीचे जो हो रहा है तो बेसिकली वो काम उसी का कर रहा है। आप कमेंट्स पढ़ के थोड़ा और भी अच्छे से समझ सकते हो कि बेसिकली चल क्या रहा है और ये होने में टाइम कितना लग रहा है। जैसे 0.6 सेकंड का ये टाइम ले रहा है बेसिकली, एक्चुअली 0.3 सेकंड का ले रहा है। तो वही है बेसिकली कि कैसे वो चल रहा है वो। आई होप सो, मैं तो अच्छा से तो नहीं समझा पाऊंगा, पता नहीं, पर जितना भी मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया है। बाकी कमेंट्स देख लेना आप जैसा आपको ठीक लगे। तो अभी बेसिकली आते हैं सबसे तीसरे पार्ट पे जो कि हम लोग का ईल बिल्ड। तो बेसिकली ईल क्या काम करता है वो हम लोग का, इसको भी मैं एक मिनट क्रॉप कर देता हूँ। कि ईल विंडो बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको वेब एप्लीकेशन से लिंक करता है। तो आपको थोड़ा इजी पड़ जाता है, आप एनिमेशन अच्छे से कर सकते हो, आप डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हो। तो लिंक करने के लिए बेसिकली हम लोग का ईल काम आता है। और इनिट बेसिकली डिज़ाइन हम लोग का वो है, मतलब इसमें आपको उस फोल्डर का नाम देना है जिसमें बेसिकली आपका index.html है। तो मेरा जैसे index.html डिज़ाइन फोल्डर में है और ईल विंडो उसके बाहर होगा। ईल विंडो अंदर नहीं होगा, उसके बाहर होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखना। और सर बेसिकली हम लोग का एक सिस्टम मैसेज देना है कि हम लोग का ईल विंडो स्टार्ट करने के लिए, आप मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज में खोला है, आप चाहो तो क्रोम में भी खोल सकते हो, फायरफॉक्स में भी खोल सकते हो, ब्रेव में भी खोल सकते हो, जिसमें आपको मन करे उसमें आप खोल सकते हो। बस यहाँ पे उसकी बेसिकली जो स्टार्टिंग उसका नाम है एक्चुअली उस एप्लीकेशन का, वो आप डाल देना। जैसे क्रोम का क्रोम है, ब्रेव का आई डोंट थिंक सो कुछ मेरे को याद है, फायरफॉक्स का मोजिला है शायद, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और बेसिकली उसके बाद जब ये स्टार्ट हो जाए तो आपको बेसिकली यहाँ पे ईल को भी स्टार्ट कर देना है और उसको एक सेट वैल्यू दे देना है कि अब चलेगा वो। अगर आप ये कोड हटा देते हो तो आपका विंडो तुरंत बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोग का सेट रखने के लिए उसको काम आता है। तो बस बाकी कमेंट्स तो आप देख ही सकते हो। तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो हम लोग का मस्त ओपन हो चुका है। अभी एक छोटा विंडो में ओपन हुआ है, आप इसको बड़ा कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो एकदम मस्त सेंटर में लाइन हो चुका है हम लोग का ये 3 बार, और कितना ही सही लग रहा है ये। तो बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन है, आप इसमें चाहो तो नीचे जारवेस भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मेरे को ऐसा लगा कि एकदम क्लीन और मिनिमल बनाना है तो उसके लिए मैंने बस ऐसे ही रखा है। और अगर आप बोलोगे तो इसको, ये जो बार्स है इसको मैं लिंक कर दूंगा आपके वॉइस टोन पे, कि जब आप बोलो तभी वो करे या फिर जारवेस जब बोले तो उसके हिसाब से वो सिंक हो, तो और अच्छा लगेगा। तो बस बोल देना एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर सही इस पर व्यूज़ या लाइक्स आ जाए तो मैं बना दूंगा वो वीडियो भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज्ड लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज्ड लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।